बोल भाई। आज हमारे बीच में जिला एवं स्टेट कोई गलबाज हो रही है। सरपंच मट्टू साहब हमारे बीच में चौक किसान मोर्चा के प्रवक्ता और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जोगिंदर झिंडा जी एवं अन्य सारे किसान संगठन के सारे कार्यकर्ता यहां पर लगातार 15 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। कल किसी आदमी ने गलत खबर लगा दी पंजाब केसरी में कि धरना स्थगित हो गया है। स्थगित नहीं है, ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। आज जोगिंदर झिंडा की अगुवाई में यहां पर एसडीएम ने दरवाजा गेट खुलवा दिया मंडी का, जो एक गेट बंद था, परले का आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई नाज मंडी के भी एक आने और जाने का गेट तैयार किया जाएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ जी कह रहे हैं हो गया है। तो इतना जितना काम सरकाया उतना अच्छा है। आगे की हम अपील करते हैं कि जीरी सरकारी रेट पर जो खरीदी जाए और पर्चा जो कोई भी किसान जितने का पर्चा कटे जितने की जीरी बिके उतने का ही पर्चा ले, मतलब कम का काटे तो कम का ही रेट का ले, क्यों फालतू रेट चढ़ा के वो पैसा ये खा जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी किसान अपनी फसल अपना ब्यौरा के आधार पर सभी अपने जागरूक रहें। और अब इतनी इस कड़ी के बीच में जोगिंदर ना मट्टू साहब सरपंच रूप छाना अपने दोस्तों कह के हले कह लीजिए चल भाई जोगिंदर से जिले का प्रधान चलो जिले का प्रधान तो हमारे बीच में चलो सेव कर लो।